अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हकीम जी रहमानी पर। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में बहुत ही नायाब, असरदार और आसान चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है, अगर मर्द हजरात इसका इस्तेमाल करे तो उज़ू में सख्ती आएगी, ताकत और कुव्वत में बेशुमार बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ आपकी टाइमिंग में भी इजाफा होगा। पहले दिन से ही आप ताकत महसूस करेंगे और इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी कि आपकी अहलिया भी कहेगी कि इतनी ताकत आपके अंदर आई कहाँ से। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी नई और ताज़ा वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको वक्त वक्त पर मिलते रहें। नुस्खे का आगाज करने से पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको गलत कारियाँ छोड़नी होंगी और खाना पीने का परहेज़ करें। खट्टी चीज़ें, फास्ट फूड, नशा वगैरह से दूर रहे, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके निज़ाम हज़म को ख़राब करती हैं। और जिन लोगों का निज़ाम हज़म ख़राब होता है, वो लोग कभी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाते, तो ये गंदी आदतें आपको चेंज करनी होंगी। साथ ही आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। आप जिम जाएं, जॉगिंग करें या किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और आपके जिस्म के सभी हिस्सों में खून पहुंचता है और नया खून भी बनता है। जब नया खून बनता है तो आपका मादा मनी भी बनती है। ठीक है दोस्तों, इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। आइए अब नुस्खे की जानिब चलते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको चार चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें शालम मिश्री लेनी है 40 ग्राम। हम वज़न सारी चीज़ें ले लो, जितना आप बनाना चाहो उतनी ही मिकदार में आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर इसमें दाल मखाना लेना है, वो भी 40 ग्राम। समुंदर सोख लेनी है 40 ग्राम और 40 ग्राम फिलफिल दराज लेनी है। तो सभी चीज़ें 40-40 ग्राम ले लें या अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी आप चाहें। मैं तो कहता हूँ पहले 40-40 ग्राम का ही बनाएं। करना क्या है, इन सभी चीज़ों का पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है और इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब तरीका सुन लीजिए, कम से कम 20 दिन शुरुआत में आप इस्तेमाल करें और परहेज़ ज़रूर करें। 20 दिन तो आपको कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका यह है, आप अपनी बीवी से भी परहेज़ करेंगे जब तक आप इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ा चम्मच सुबह काली पेट आपको दूध के साथ, सिर्फ इतना सा तरीका है। एक बात आपको फिर से याद दिला दूं, इसके इस्तेमाल परहेज के साथ ही करें, गलत कार्यां बिल्कुल ना करें, इंशाल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।